उत्तर प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद बसपा प्रमुख मायावती पार्टी को फिर से खड़ा करने में लगी हैं। पार्टी के नेताओं में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच बड़ी बैठकों से एक बड़ा चेहरा या यूं कहें एक बड़ा नाम नदारद है। वो नाम जो कभी बसपा में मायावती के बाद लिया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी में कभी नंबर दो पर रहने वाले सतीश चंद्र मिश्रा की, जो इन दिनों पार्टी के हर बड़े इवेंट, पोस्टर्स और बैठकों से गायब हैं। चाहे आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव के बाद हुई बीएसपी की तीन अहम बैठकें, सभी जगह सतीश मिश्रा अनुपस्थित रहे। अब उनकी गैर मौजूदगी में चाहे कुछ भी कहा जाता रहा हो, पार्टी भले ही उनकी तबीयत का बहाना देती रही हो, लेकिन इस बात का शक सभी को था कि पार्टी सुप्रीमो किसी बड़े बदलाव की तलाश में है। और अब लीजिए खबरें हैं कि पार्टी सुप्रीमो ब्राह्मण चेहरे को साइडलाइन कर किसी दलित चेहरे की तलाश में है, ताकि दलित समुदाय को ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी अपने आधारभूत मूल्यों को नहीं भूली है। पार्टी ने फैसला किया है कि सतीश मिश्रा अब सिर्फ पार्टी के लीगल सेल की जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई बीएसपी की यूपी में फिर से धाक कायम करने के लिए सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला लिया है। खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर भी बहन जी मिश्रा से खासी नाराज हैं, और इसी के चलते अब मिश्रा जी पर ये गाज गिरी है। बहरहाल, हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।